मेरे साथ में हैं श्रीमान प्रतिपाल सिंह जी, ग्रंथी हैं आप और पनेवा गुरुद्वारे में। इनका घुटनों का दर्द कितना था ये बताएंगे, क्या इनको तकलीफ थी और यहाँ किस प्रकार से इनको रिलीफ हुआ है, क्या इतने वजन वाले भी घुटने दर्द वाले लोग ठीक हो सकते हैं, क्या उनका वजन भी कम हो सकता है। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बहुत सूचना होगी और साथ ही साथ आपको बताऊंगा वो ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देने से इनको विशेष फायदा हुआ। जी बताइए। मैं प्रतिपाल सिंह, उम्र मेरी 65 साल है, वेट मेरा 115 किलो और मैं 12-15 साल से घुटनों के दर्द से पीड़ित हूँ। तो बहुत इलाज कराए, बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत तेल ऑयल पेन किलर्स वो ट्यूबें लगाई, लेकिन कोई पक्का फायदा आराम नहीं हुआ। एक दिन मैंने YouTube पर आचार्य रामगोपाल जी दीक्षित, इनका जो ये ट्रीटमेंट यहाँ देते हैं, उसको मैंने देखा सुना और मेरे भी मन में यहाँ से जो अपना इलाज कराने की मन में किरण जागी, तो मैं आचार्य जी से आके मिला। इन्होंने मेरे से सारी पूछताछ करके मेरा ट्रीटमेंट तकरीबन 4-5 सितंबर से शुरू किया है। 4-5 सितंबर को शुरू हुआ। हाँ जी। हाँ। तो मेरे को इतने दिनों में बहुत रिलीफ मिला है। मैं चलने फिरने से असमर्थ था, छोटी से चलता था, सिक से चलता था। चल के दिखा दो। अब मैं इनके इलाज करने से जो मेरे को आराम आया, उससे मैं ऐसे अब बिना सोटी के चल सकता हूँ, चल रहा हूँ। वापस आके भी चल के दिखा दो, पूरा वहाँ तक चल के दिखा दो। ये जो यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, इनके उपचार बड़े प्यार से और बड़ी सावधानी से, और जो आचार्य जी की इनको शिक्षा दी हुई है, सिखलाई दी है, ट्रेनिंग दी है, उसके मुताबिक बड़े प्यार से इलाज करते हैं। जी, एक दिन तो आप है ना कि जंप मार रहे थे, तो देखिए मैंने मना किया कि जंप मत मारो, मैं को ये मैंने पूछा कैसा हाल है, बोले ये दिखाऊं ऐसे करके और जंप मारने का नंबर बनाया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इनका धन्यवाद इनको देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ पर उपचारक हैं, लड़के लड़कियाँ जो इलाज करते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य जी को और शफा बहुत ज़्यादा दें इनके हाथ में और इलाज करने का इनको समर्था जो है प्रभु आप और दें, और इनके जो उपचारक हैं, जो उपचार करते हैं, उनको भी भगवान और तरक्की बख्शे। और ये जनता की जो यहाँ पर आते हैं, दुखी लोग आते हैं, उनके दुख निवारण करने का और इनको बल बुद्धि हिम्मत और ताकत दें, ताकि ये आने वाले यहाँ जो आते हैं रोगी लोग आते हैं, उनका ये दुख कष्ट निवारण करें और उनको सुख समृद्धि मिले। फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत बहुत बढ़िया। और ये देखिए सोटी, लेकिन मैंने इनको कहा है कि ये पकड़ के चलना है, ये बिना सोटी के नहीं चलना, पकड़िए जी, तो क्योंकि बड़ी उम्र जब हो जाती है, ध्यान रखने की बात है। आइए इधर आइए, इधर घूम जाइए। अगर बड़ी उम्र हो जाती है जब, तो बड़ी उम्र के साथ घुटनों की तकलीफ बढ़ती है, कम नहीं होती है, और अगर वजन ज्यादा हो तो तकलीफ तो फिर बढ़ती ही है। ऐसे में ना भी वजन बढ़े और घुटनों में तकलीफ आ गई, कमर में तकलीफ आ गई, तो सोटी यानी लाठी साथ में रखनी ही चाहिए। पता नहीं कौन सा पल आपका पैर स्लिप करे और आपका घुटना, आपकी कमर आपका साथ छोड़ दे, इसलिए सोटी बहुत जरूरी है। करना ये है, सोटी को अभी तक खुद पकड़ते थे, सोटी आपको लेके चलती थी, अब आपने सोटी को लेके चलना है। अब सोटी लेके चलना है, अभी तक सोटी आपको चलती थी लेकिन, तो अब मैं दिखाऊंगा आखिर इन्होंने ट्रीटमेंट कैसे किया, क्या क्या किया। ये तरीका भी है बैठने का, जो ये बैठे हैं ऐसे ही बैठना चाहिए। अब आप लेटिए। मैंने फिर इनके घुटनों को देखा कि आखिर इनके घुटने का हाल क्या है,
और ये मैं कहूँगा नजदीक से दिखाएं तो ये घुटने, अगर आप ये दोनों घुटनों को ऐसे देखेंगे तो ये दोनों घुटने ऐसे बोल एक्स हो गई, ये वाले यानी ये हिस्सा इधर निकल गया, ये हिस्सा इधर निकल गया। अब ये पहले से अंदर है, पहले तो इतना ज़्यादा थे ये, अब ये इतने हो गए हैं, पहले से कम हो गए हैं। वजन अधिक होने से ये और ज़्यादा फैलते हैं, घुटने फैलते ही हैं, इनको कोई शक नहीं है कि फैलते नहीं हैं, फैलते हैं। लेकिन हमने जब देखा तो पहले इनकी ये जो घुटने की कटोरियाँ हैं, इन कटोरियों को जाम से फ्री करने का काम किया, इन घुटने की कटोरियों को कैसे किया मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ऐसे बैठे, ऐसे यहाँ से पैर को ऐसे अपने अंदर इसमें फंसाया, यहाँ फंसाया ऐसे, ये देखिए ऐसे पैर को फंसाया। फंसाने के बाद अच्छे होगा, नहीं तो पैर ऐसे चला जाएगा तो ठीक नहीं होगा, ये ऐसे पकड़ना जरूरी है, ऐसे फंसाया। इसके बाद यहाँ रविंग करी घुटने के ऊपर, रविंग करने के बाद नीचे भी रविंग करी, बहुत जेंटली बहुत आराम से, हल्की सी इधर भी, और फिर हथेली से, क्योंकि बहुत जाम है, बहुत मोटे हैं घुटने, बहुत जाम है, इन घुटने को खोलने के लिए ऐसे करके धीरे धीरे क्लॉकवाइज किया। ये क्लॉकवाइज ऐसा किया कि इसमें दर्द ना हो जाए, बस यहाँ इधर से थोड़ा ज़्यादा किया, इधर से कम किया, क्योंकि घुटने इधर तरफ जा रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज किया पूरा। और फिर यहाँ से इस जगह से पूरा ऐसे पूरा क्लॉकवाइज किया, यहाँ के मसल्स को इधर खींच के लेकर जा रहे हैं हम, थोड़ा ताकत इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ताकत को सह जाएंगे, अगर किसी की ताकत कम हो, शरीर में दम कम हो, तब कम करना है। फिर ये ऐसे यहाँ पर मसाज दी, इससे घुटने के जो फ्लूइड है अंदर जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो फ्लूइड का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और प्रतपाल सिंह जी फिर एकदम फिर से जवान हो जाएंगे। मेहरबानी आपकी बात एकदम नौजवान बना देंगे आपको, भगवान की कृपा। और ऐसे पकड़ा और ये उठाया, इससे घुटना फ्री हो, ऐसे पकड़ा अभी उठाया, इससे ये दबाया तब नी के ऊपर गया, फिर नीचे दबाया, कटर पटर करता है पूरा घुटना, ये इतना ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हाँ, दो चार दिन से ना जब चलता तो थोड़ी आवाज आती, कट कट आवाज आती। हाँ, इसके बाद ये जो एरिया है, खासकर ये एरिया टखने के पास वाला, ये यहाँ ऐसे दबाया और ये भी ऐसे दबाया और ये भी ऐसे दबाया, यहाँ ऐसे, और फिर पंजे को हल्का सा नीचे डाउन, और इसके बाद में जो किया, ये जो ग्रोइंग एरिया है घुटना मोड़ो, ये यहाँ यहाँ पर अंगूठे को अंदर दबाया और दबाकर कहा घुटना मोड़ो, ये मुड़ता नहीं था, सीधा करो, अब मुड़ने लगा है। क्या जी, बचपन में भातों को इन्होंने उंगली पकड़ के चलाया है, उंगली पकड़ कर अपने पैरों पर चलाना सिखाया है, हैं? और अब इनके अपने पैर जवाब दे गए तो फिर से
अब खुद को उंगली पकड़ के चला रहे हैं। इसीलिए वो सारे पुण्य, क्योंकि ये भगवान का नाम लेते हैं, लोगों से स्मरण कराते हैं, सिमरण कराते हैं, इसीलिए वाहेगुरु जी की कृपा है इनके ऊपर। और उस कृपा के कारण ही उधर करवट लो, दोनों घुटने पेट के पास लेके लो, बस ये मसल जो यहाँ खींच के लाए थे इनको अब यहाँ से ऐसे हाथ से थोड़ा दम लगाना पड़ता है क्योंकि मजबूत है ना, हड्डियां भी मजबूत हैं। ऐसे करने के बाद बाकी जो ट्रीटमेंट दिए हैं प्रतपाल सिंह जी को वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। हाँ जी खड़े हो ना, आप खड़े हो जाओ। ये देखिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बड़ी उम्र के अंदर अधिक वजन वाला व्यक्ति जब अपने पैरों पर लाचार हो गया हो फिर से खड़ा होकर चलने लगे, इससे बड़ी खुशी की बात किसके लिए होगी। ये शेयरिंग मैंने आपके लिए कराई है। ऐसे लोग जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, रिप्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जरूर सोचना चाहिए। रिप्लेसमेंट होने के बाद अपना काम भी बहुत कुछ नहीं होता, क्योंकि जब काट लिया काटे हुए को दोबारा ठीक करना टेढ़ा है। नेचुरल अगर है तो उस नेचुरल को फिर से ठीक रखना, दोबारा से रिवाइव करना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रतपाल जी कह रहे हैं। ऐसा इफेक्टिव ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का है जो मैंने आपके लिए शेयर किया है। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि आप घुटने चेंज करा लो। अच्छा, लेकिन मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैंने घुटने चेंज नहीं करवाने, मैं इन्हीं को ही ठीक करूंगा और जिन्होंने इन्हीं को बना के रखूंगा। आपके इधर आने से पहले मैं जवाब लोगों को दे रहा हूँ, 2-4-5 साल से ही। अच्छा, मैंने रिप्लेसमेंट नहीं कराने, मैंने चेंज नहीं कराने, इनको ही ठीक करवाना। तो भगवान ने कृपा करी कि आपसे मुलाकात मेल मिलाप हो गया, तो आपने ये मेरा जो ट्रीटमेंट है शुरू कर दिया, उससे मेरे को ये महीने 1.5 महीने में ये सब ऊपर वाली कृपा है जी। हम तो उसी की कृपा से ट्रीटमेंट करते हैं, कृपा नाल, परमात्मा की कृपा नाल। और आप दे जड़ा ये जो ट्रीटमेंट तुसी देंदे हो बड़े ध्यान नाल देंदे हो, उपचार जड़ा करदे ने उन्हां नूं भी आप जी ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी दित्ती होई है, तो वो भी पूरा स्टाफ हमारा ट्रेंड है। अच्छा, मैं एकदम ट्रेंड है, सारे लोग एकदम बहुत परफेक्ट और बहुत ही जेन्युइन। और मैं जो ऐसे दर्दों से पीड़ित लोग हैं उनसे यही दरखास्त करूंगा कि आप यहाँ पटेल नगर में राम गोपाल आचार्य जी उनके जो आरोग्य पीठ सेंटर है उसमें आके अपने दुखों कष्टों का निवारण करने के लिए यहाँ से इनसे इलाज करवा के और आप अपना सुख जो है पा सकते हैं और कष्ट जो है वो निवारण करा सकते हैं। परमात्मा कृपा करेगा और आर्य आचार्य जी का जो है इलाज है उससे आपको आराम मिलेगा, आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। सो सब लोग सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की फतेह। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।